नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। जैसे कि आपको इस वीडियो के थंबनेल देखकर पता चल गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे। अगर आप लोग आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे, वो कौन सा लीगल कंपनी है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आधार का कोई भी काम यूआईडी के पोर्टल पर होता है, ठीक है। तो यूआईडी ने नया लिस्ट जारी किया है, कंपनी का जो भी नया लिस्ट है वो जारी किया है, और उस कंपनी के द्वारा आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं। आप लोग इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको उस वीडियो से कोई भी फायदा नहीं हुआ होगा, और आप लोग उस वीडियो में देख के ये नहीं पता किए होंगे कि आपको आधार सेंटर कैसे लेना है, ठीक है। जैसे कि हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको आधार सेंटर कैसे लेना है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, और कौन सा कंपनी है, और उस कंपनी से आप लोग कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और कितना दिन में आपको आधार सेंटर मिलेंगे, आपके पास कौन कौन सा डिवाइस रहना चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको आधार सेंटर कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, और आधार का जो भी ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उस पर आते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल ओपन कर लिए हैं, और गूगल पे हम सर्च करेंगे आधार, ठीक है, आधार ट्विटर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आधार ट्विटर लिखेंगे तो आधार का जो भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएंगे। और यहाँ पे जो ट्विटर के द्वारा एक पोस्ट किया गया है, मतलब आधार के द्वारा, वो क्या है वो हम पहले आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि डायरेक्ट आप लोग कंपनी से आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं। हालांकि इस पर हम पहले से भी एक वीडियो बनाए हैं, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, वो रियल वीडियो था। आप लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो है अभी आधार सेंटर उस कंपनी से नहीं मिल रहा है, तो जो कि हम इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे कि वो कंपनी से भी आधार सेंटर मिल रहे हैं, जो कि यूआईडी से रजिस्टर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिल जाएंगे जो कि 14 सितंबर को आधार के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटर आर इंगेज बाय रजिस्टर नॉट बाय हैशटैग यूआईडी है, ठीक है। ओनली रजिस्टर अपॉइंटमेंट बाय यूआईडी, मतलब यूआईडी के जो ऑथोराइज कंपनी है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगे। मतलब ये डायरेक्ट बोल रहा है कि जो यूआईडी पे रजिस्टर नहीं है वो कंपनी से आप लोग आधार सेंटर नहीं लीजिए, वो आधार सेंटर आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो कंपनी यूआईडी पे रजिस्टर है, अगर उसके द्वारा आप लोग आधार सेंटर लेते हैं तो आपको 100% आधार सेंटर मिल जाते हैं। तो अब मिलते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए विजिट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि यूआईडी पे जो भी रजिस्टर है वो कौन कौन सा स्टेट है, और वो स्टेट में कौन कौन सा कंपनी है, तो यहाँ पे हम क्लिक के लिए हैं, ठीक है। हालांकि इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसके वेबसाइट पे आ सकते हो, या यूआईडी के वेबसाइट पे आएंगे और आपको यहाँ पे यूआईडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेंगे इको सिस्टम का, ठीक है। इस पर अगर आप लोग माउस रखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएंगे MOUS, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं, यूआईडी के ट्विटर अकाउंट से, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करके, या यूआईडी पे डायरेक्ट आकर इस पेज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे जो भी स्टेट है उस स्टेट के बारे में हम पहले आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा स्टेट है, और इस स्टेट के द्वारा आप लोग आधार सेंटर कैसे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ठीक है, बिहार है, क्योंकि बहुत सारे भाई बिहार से ही होंगे, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव है, ठीक है, दादर नगर हवेली है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली गवर्नमेंट है, गोवा है, गुजरात, आपको यहाँ पर गुजरात का ऑप्शन भी मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का भी ऑप्शन मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी है, यहाँ पर हरियाणा भी है, झारखंड गवर्नमेंट है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, लक्षद्वीप है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पे पांडुचेरी है, उड़ीसा है, उसके बाद नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड है, और नीचे में भी है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग इंडिया के हर एक कोने से होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब भी है, राजस्थान भी है, सिक्किम भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बहुत सारे भाई उत्तर प्रदेश का ही होते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, तमिलनाडु भी है, उत्तराखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, ये जितने भी स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट ने यूआईडी को अप्रूवल दिए हैं कि आप लोग हमारे यहाँ ब्रांच खोल सकते हैं, और कौन कौन सा कंपनी को ये अप्रूवल दिए हैं वो भी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसके वेबसाइट पर आते हैं
तो आपको यहाँ पे MOUS जो है, देखिए MOUS सिग्नेट विथ स्टेट रजिस्टर, ये स्टेट रजिस्टर है। अब नॉन स्टेट रजिस्टर मतलब आपको यहाँ पे कौन सा कंपनी देंगे आपके स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी देखने को मिल रहे हैं, तो आप किसी एक कंपनी के साथ मिलके यहाँ पे आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वो कंपनी दिखा देते हैं कौन सा है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिग्नेट बाय नॉन स्टेट रजिस्टर, मतलब स्टेट में जो भी रजिस्टर है, ठीक है, वो कंपनी कौन सा है। तो सबसे पहले इलाहाबाद बैंक से आप लोग यहाँ पे आधार सेंटर ले सकते हैं, आंध्रा बैंक से ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं, केनरा बैंक से ले सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, कॉरपोरेशन बैंक से, CSC से भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई के पास CSC है तो वो CSC से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास CSE है तो आप लोग यहाँ पे इसका आधार सेंटर ले सकते हैं। बहुत सारे भाई को CSE में UCL का काम भी मिला होगा, लेकिन अभी जो CSE के द्वारा आपको आधार सेंटर मिलेंगे, इसमें आप लोग हर एक काम कर सकते हो। बच्चे का भी बना सकते हैं आधार कार्ड और बड़े का भी बना सकते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं अब जो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे CSE के द्वारा भी ले सकते हैं, देना बैंक है उसके द्वारा भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा भी ले सकते हैं, IDBI भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन बैंक है, IGNOU है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, LIC के द्वारा भी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, इससे भी ले सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट है, इससे भी ले सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इससे भी ले सकते हो। उसके बाद नेशनल काउंसिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेक्रेटरी ऑफ मिग्रेंट वर्क है, इससे भी ले सकते हैं, NPCI से भी ले सकते हैं, NPCI तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बहुत सारा कंपनी है जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे NSDL से भी ले सकते हैं, NSDL तो सब जानते होंगे कि PN का काम दे रहा है NSDL, इससे भी ले सकते हैं। ओरिएंटल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, RGI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर है, सिंडिकेट बैंक। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं कंपनी, उस कंपनी के द्वारा आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बता दूँ, UID के बारे में हम एक वीडियो बनाए थे, अगर आप लोग यहाँ पे चैनल पे देखेंगे तो पहला जो मेरा वीडियो था UTI का था, ठीक है। UTI के द्वारा भी आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे भाई ने कमेंट किया कि नहीं, UTI अभी आधार सेंटर नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, UID पे डायरेक्ट रजिस्टर है UTI, ठीक है, UTI ITSL, ठीक है, ये रजिस्टर है। आप लोग इस कंपनी के द्वारा भी आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, जो कि हम इस चैनल पे पहले ही वीडियो बना दिए थे कि आप लोग इस कंपनी के द्वारा भी आधार सेंटर ले सकते हैं। जैसे UTI ITSL पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी सिग्नेचर हुआ है UID के ओर से, मतलब इसमें जो निर्देश दिया गया है आधार सेंटर खोलने के लिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और आप लोग यहाँ पे इसे रीड भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिग्नेचर वगैरह हुआ है, स्टाम्प वगैरह है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को रीड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो ये कंपनी हो गया, फिर स्टेट के बारे में है, तो स्टेट में जो साइन हुआ है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, और इस कंपनी से ले भी सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे भाई है कि वो पूछ रहे हैं कि सर हमको तो ये बता दिए कि ये सब कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा हम आधार सेंटर कैसे लेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे आप लोग बैंक के द्वारा आधार सेंटर लेना चाहते हैं, ठीक है, बैंक के द्वारा कोई भी बैंक है तो उसके द्वारा अगर आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास CSE और CSP होना चाहिए, और उस बैंक से आपका कुछ है, मतलब उस बैंक से आपका जान पहचान होना चाहिए, तभी आपको आधार सेंटर मिलते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में किसी को आधार सेंटर नहीं मिलता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये वीडियो देख लिए, वीडियो देखने से आपको आधार सेंटर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। आपको उस पर काम करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे आधार का सर्टिफिकेट होता है सुपरवाइजर ऑपरेटर, वो सर्टिफिकेट देना होगा, फिर आपका BC लेने के लिए वो आपको IABF का सर्टिफिकेट लगेगा, वो सब कुछ देना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देना होगा, उसके बाद ही आपको आधार सेंटर मिलेंगे। और जो भी कंपनी से आप लोग लेंगे, उस कंपनी में आपका जान पहचान होना चाहिए, उस कंपनी में पहले से आप वर्क कर रहे हैं तो आपको जान पहचान होगा ही। जैसे किसी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP है तो उससे ऊपर जो उसको दिया है उससे जान पहचान है, वही करवा देगा आपको काम, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, उसके बाद ही मिलता है, हवा में नहीं मिलेगा, वीडियो देखने से नहीं मिल जाएगा, उस पर आपको वर्क करना होगा, ठीक है। वर्क कीजिए और आधार सेंटर लीजिए, ठीक है। अभी आधार सेंटर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलेगा जी, इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।